सोलो लेवलिंग। जब मैंने इस वाले एनिमे का पहला एपिसोड देखा था तब मुझे ये वाला एनिमे एक टिपिकल इसेके एनिमे की तरह ही लग रहा था कि एनिमे के स्टार्टिंग में जो अपना मेन प्रोटैगनिस्ट रहता है वो काफी ज्यादा वीक रहता है, लेकिन बाद में आगे जाके एकदम से वो काफी ज्यादा ओवर पावर्ड बन जाता है। लेकिन जब मैंने इस वाले एनिमे की मानवा पढ़ी तब मुझे लगा कि ये वाला एनिमे इस साल का बेस्ट एनिमे भी हो सकता है। एनिमे के स्टार्टिंग में जो अपना मेन प्रोटैगनिस्ट है वो बस एक ई लेवल का हंटर रहता है जो कि काफी ज्यादा वीक लेवल का हंटर रहता है जिसके पास में कुछ ज्यादा स्किल्स भी नहीं रहती। लेकिन जैसे ही इस वाले एनिमे के सेकंड एपिसोड के अंदर अपना मेन प्रोटैगनिस्ट मरते मरते बचेगा वैसे ही अपनी मेन प्रोटैगनिस्ट की ट्रू पावर्स बाहर निकल के आएंगी। उसके बाद से जो अपना मेन प्रोटैगनिस्ट रहता है वो बस अपनी स्ट्रेंथ की मदद से भाई अपनी खुद की लेवल अप करता है। एपिसोड 2 के एंडिंग में आपको पता चलेगा कि इसका जो वर्ल्ड है वो काइंड एक वीडियो गेम वाला वर्ल्ड है जहाँ पर जो अपना मेन प्रोटैगनिस्ट है उसको लेकर अपन प्लेबल कैरेक्टर की तरह खेल रहे होते हैं। इस वाले वर्ल्ड के अंदर पता नहीं कहाँ से 10 साल पहले अचानक से अलग अलग जगह पे ब्लू टाइप के पोर्टल्स खुलने लग जाते हैं और उन वाली पोर्टल्स के अंदर रहती है डंजन्स जहाँ पर रहते हैं बहुत ज्यादा मॉन्स्टर जो कि आराम से उस वाले पोर्टल से बाहर भी आ सकते हैं। और उन्हीं सारे मॉन्स्टर को मारने के बाद में और डंजन मास्टर को हराने के बाद में वो पोर्टल बंद हो सकती है। और इस काम को पूरा करने के लिए इस वाले वर्ल्ड के अंदर रहते हंटर्स जो कि अलग अलग लेवल के रहते हैं। जैसा कि आपने हर इसे के एनिमे के अंदर देखा होगा कि ये गिल्ड रहती है जिसके अंदर बहुत सारे एडवेंचरस रहते हैं जो कि अलग अलग डंजन्स के अंदर जाती है मॉन्स्टर को मारती है, गिल्ड के अंदर जो क्वेस्ट रहती है उनको पूरा करती है और बाद में उनको मॉन्स्टर मारने के बाद में जो ड्रॉप्स मिलते हैं उनको सेल करके गोल्ड कॉइन्स भी कमा सकती है और उनको जो क्वेस्ट पूरा करने का रिवॉर्ड मिलेगा वो अलग से। इसी टाइप का सिस्टम इस वाले वर्ल्ड के अंदर भी है। अगर किसी भी जगह पे पोर्टल ओपन होते हैं तो उसको बंद करने के लिए अपने हंटर के पास में बस 7 दिन का टाइम रहता है और जैसे ही आप पोर्टल के अंदर जाते हो और वहां पर जाके डंजन मास्टर को हरा देते हो उसको हराने के बाद में आपको बस 1 घंटे का टाइम मिलता है। उतने टाइम में भाई अपना सारे के सारे सामान को कलेक्ट करो वहां से निकल लो, अगर वहां पर एक बार फंसे रह गए तो फंसे रह जाओगे। जैसे ही एपिसोड 2 के एंडिंग में अपना जो मेन प्रोटैगनिस्ट है वो मरते मरते बचता है तभी उसके सामने एक नोटिस आती है जहां पर लिखा होता है कि तुमने सरावल क्वेस्ट पूरी कर ली है और क्या अभी तुम एक प्लेयर बनना चाहते हो। वहां पर अपने मेन प्रोटैगनिस्ट के पास में बस 0.2 सेकंड का टाइम रहता है। अगर वहां पर अपना मेन प्रोटैगनिस्ट प्लेयर बनने से मना कर देता तो वो वहीं पर ही मारा जाता, इसलिए वो वैसे ही एक प्लेयर बन जाता है जिसको की सेकंड अवेकनिंग मिलती है जिसकी मदद से वो काइंड एक वीडियो गेम का प्लेयर बन जाता है जिसको की डेली क्वेस्ट दी जाएंगी जिनको की उसको पूरा करना पड़ेगा। अगर वो अपनी डेली क्वेस्ट को पूरा नहीं कर पाता है तो उसको पेनल्टी भी मिलती है जो कि भाई क्वेस्ट पे डिपेंड करती है। अगर कोई इजी क्वेस्ट है तो उसकी पेनल्टी भी काफी ज्यादा इजी रहेगी, अगर वहीं पर कोई हार्ड क्वेस्ट आ जाती है और वो अपनी क्वेस्ट को पूरा नहीं कर पाता है तो उसकी पेनल्टी भाई काफी ज्यादा डेंजरस भी हो सकती है। और इसी सेकंड अवेकनिंग की वजह से अपने मेन प्रोटैगनिस्ट के पास में भाई अनलिमिटेड ग्रोथ का एक ऑप्शन आ जाता है जहाँ पर भाई वो डेली क्वेस्ट को पूरा करके डंजन्स को लड़ के अपनी ग्रोथ को बढ़ा सकता है। और हाँ, जैसे आप इस वाले एनिमे के अंदर आगे बढ़ोगे तब आपको यकीन भी नहीं होगा कि भाई पहले एपिसोड के अंदर आपने जिस वाले बंदे को देखा वो बंदा यही है। तो होपफुली गाइज आपको ये छोटी सी एक्सप्लेनेशन वीडियो पसंद आ गई होगी। तो चलो गाइज आज के इस वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वाला वीडियो पसंद आ गया होगा तो इस वीडियो को लाइक कर देना, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।